हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकास किचन। आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल थाली बताऊंगी और इसके लिए मैं चार चीज़ें बताऊंगी। इसमें सबसे पहले मैं आलू का हलवा बताऊंगी। इसके लिए मैंने दो आलू लिए मीडियम साइज़ के, हाफ कप शुगर, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने नट्स लिए हैं। इसमें काजू, पिस्ता और नारियल को मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया है और हाफ कप घी लिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इलायची पाउडर लिया है और पिंच ऑफ सैफ्रन लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको हलवा बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको आलू का रायता, तीसरी चीज़ मैं इसमें आपको टमाटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, और ये सब जो है हम सिर्फ जीरे में बनाएंगे। तो रायता होगा, उसके बाद आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे और मैं इसके साथ साथ आपको पूरा इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम आलू का हलवा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते हैं, तो मैं इसे छोटे से ग्रेटर के उससे ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने के बाद हम फ्राई पैन में घी डालेंगे, तो मैं ये आलू को ग्रेट कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको ऐसे भी मैश कर सकते हैं। तो मैं ये दोनों आलू को ग्रेट कर ले रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरे आलू को भी ग्रेट कर लेंगे। इससे जो है आलू एकदम सॉफ्ट रहता है और अच्छे से मैश हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मैशर से अच्छे से मैश नहीं होता है, तो ग्रेटर से बढ़िया हो जाता है। और ये मैंने ग्रेट कर लिया है। मैंने गैस ऑन कर दी है और मैं अब इसमें घी डाल दूंगी। तो घी आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 to 3 टेबलस्पून के करीब घी डाल दूंगी। और ये मैं प्योर घी में ही बनाऊंगी, क्योंकि फास्ट का हम प्योर घी में ही बनाते हैं। तो ये घी गर्म हो रहा है, घी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें नट्स ऐड कर रही हूँ और इसको हल्का सा भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही इसको गर्म करना है। और इसके साथ ही हम आलू भी ऐड कर देंगे। और इसको हम अब कंटिन्यूसली खिलाते रहेंगे। आलू में घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तभी ये टेस्टी लगता है हलवा। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। और इसको हम भूनते रहेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। गैस मीडियम है मेरी। ये भुन गया है और अब मैं इसमें सैफ्रन और इलायची का पाउडर ऐड करूंगी, शुगर ऐड करूंगी और इसे अच्छे से और भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि शुगर ऐड करने के बाद ये थोड़ा पानी छोड़ता है। तो इसको हम भूनते रहेंगे। देखिए शुगर ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे भूनते रहेंगे जब तक ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए हिलाती रहूँगी। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए एकदम मिक्स हो गया है सब, और ये थोड़ा थिक हो गया है। तो इसी तरह से इसकी इसको बनाना है हमें। 2 मिनट के लिए मैं और भून लूँगी और बाद में इसको सर्व कर लेंगे। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए घी भी पूरा इसमें मिक्स हो गया अच्छे से।
और एकदम सॉफ्ट जैसा हो गया है इसका टेक्सचर। तो हलवा हमारा एकदम रेडी है। और हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। मैंने हलवा निकाल लिया है और इसे सर्व कर दिया है। चलिए अब मैं आपको दही का रायता बताती हूँ कि हम आलू का रायता कैसे बना सकते हैं। तो आलू के रायते के लिए हमें दो कप मैंने दही ले लिया है और एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू ले लिया है। और हरी मिर्च ली है, एक हरी मिर्च ले ली है मैंने, एक मीडियम साइज़ की हरी मिर्च ले ली है। और सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, सेंधा नमक जो है फास्ट में यूज़ किया जाता है तो सेंधा नमक लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा जीरे को भून लिया था और कूट लिया है इसको, और कोरिएंडर लिया है थोड़ा चॉप कर लिया है इसको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था और अब मैं आलू को चॉप कर लूँगी। तो हम आलू को छोटे छोटे चॉप कर लेंगे इसको, इस तरह से हम आलू को एकदम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं, तो इतना छोटा छोटा आप इसे चॉप कर लेंगे। इस तरह से हम आलू को चॉप कर लेंगे और ग्रीन चिल्ली को भी इसी तरह से चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन चिल्ली थोड़ा तीखा ना लगे तो आप उसमें से सीड्स निकाल लेंगे। मैंने ये आलू को अच्छे से छोटा छोटा चॉप कर लिया है और मैंने ग्रीन चिली के सीड्स भी निकाल लिए थे, तो इसको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी छोटा छोटा। आप चाहें तो डायरेक्टली उसमें डाल सकते हैं, मैं इसी में चॉप कर दे रही हूँ अभी। इस तरह से इसको चॉप करने के बाद अब हम इसे दही में डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और ये झटपट तैयार हो जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ये सेंधा नमक है तो इसमें 1 टीस्पून के करीब, या अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल लीजिए। और ये मैंने भुना हुआ जीरा लिया है तो ये भी डाल रही हूँ मैं, इसे मैंने दरदरा कूट लिया है, ये बहुत टेस्टी लगेगा इसमें। और अब हरा धनिया डाल देंगे इसमें और इसे मिक्स कर लेंगे। तो आलू का रायता एकदम रेडी है, इसको भी सर्व कर लेंगे। ऊपर से और थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे क्योंकि कोरिएंडर बहुत टेस्टी लगता है इसमें, तो खूब सारा कोरिएंडर डालें। तो ये देखिए आपका आलू का रायता भी बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे आलू टमाटर की चटनी। आप इसको आलू टमाटर की चटनी भी बोल सकते हैं या सब्जी भी बोल सकते हैं। तो मैंने ये एक आलू ले लिया है बड़ा साइज़ का और इसे बॉईल कर लिया था और ये चॉप कर लिया है। और इसमें मैं लूँगी एक टमाटर, एक ग्रीन चिली और एक पीस जिंजर का। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो ग्रेवी में सबसे पहले हम डालेंगे एक जिंजर का और इसको अच्छे से ग्रेट कर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने अदरक रखा है और एक ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और थोड़ा सा मैं कोरिएंडर डालूँगी इसमें। ये मैंने विथ स्टेम मतलब कोरिएंडर मैंने धनिया की जो डंडी थी मोटी उसको भी साथ में लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी एक टमाटर और उसको भी इसमें पेस्ट बना लेंगे।
आप चाहे तो ग्रीन चिली और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी जैसा ही बना रही हूँ। तो ये मैंने इसमें एक टमाटर ऐड कर दिया है और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं बाद में ही ऐड करूँगी। फिर इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने ये पेस्ट रेडी कर लिया है। चलिए अब पैन रख लेते हैं, गैस ऑन कर दी है, पैन गर्म हो गया है और मैं अब इसमें 1 टीस्पून के करीब देसी घी डालूंगी। और इसे गर्म होने देते हैं। ये गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब जीरा डालेंगे और इसे भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें भुना हुआ धनिया, साबुत धनिया है ये मैंने भून लिया था, और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाया है उसे हम ऐड कर लेते हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। ये अच्छे से भुन गया है और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देंगे। दो मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं और ये अच्छे से भून गया है। अब आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करूंगी। और एक बॉईल आने के लिए इसको मैं ढक के रख दूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं और सब्जी एकदम बन के तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे भी सर्व कर। मैंने सब्जी सर्व कर ली है और इसे कोरिएंडर से गार्निश कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे कुट्टू के पकोड़े, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 से 5 आलू ले लिए और 1.5 कप मैंने आटा ले लिया है, भुना हुआ साबुत धनिया लिया है, इसको भून लिया और पेस्ट इसका पाउडर बना लिया है। भून के बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है ये। और ये मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, कूट लिया था इसको, 1 टीस्पून के करीब जीरा लिया है, लाल मिर्च लिया और सेंधा नमक लिया है, हरा धनिया लिया है। और साथ में हम बनाएंगे टमाटर और हरा धनिया की चटनी, तो इसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, हरा धनिया लिया है, छोटा सा टुकड़ा जिंजर का लिया है, ये मैं पकौड़ों में भी यूज़ करूँगी, और 1 ग्रीन चिली ली है। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं और लास्ट में हम पकौड़े बनाएंगे। तो हम सबसे पहले जिंजर का टुकड़ा ले लेते हैं, ग्रीन चिली ऐड कर लेते हैं, टमाटर काट लेते हैं, और हरा धनिया, और नमक डालेंगे। हरे धनिया और टमाटर की चटनी भी रेडी है। तो लास्ट में हम बनाते हैं गरम गरम पकौड़े। अब हम बनाएंगे पकौड़े,
कुट्टू के आटे की। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 1 कप के करीब कुट्टू का आटा, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, तो 1.5 कप ऐड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम कोरिएंडर खूब सारा, और डालेंगे जीरा भुना हुआ, धनिया पाउडर ये भी भुना हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा जिंजर को ग्रेट कर लेंगे, और लास्ट में हम इसमें आलू डालेंगे। आप चाहें आलू को थोड़ा सा मोटा मोटा इस तरह से मैश कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको छोटा छोटा बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको खाली मैश कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पकोड़ों वाला बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली, और एक डो जैसा हम तैयार करते हैं इसको, बैटर हम तैयार करेंगे इसका पकोड़ों वाला। आप चाहे तो इसको थिक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इस तरह से, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए ये। इस तरह से हम बना लेंगे इसको और मिक्स कर लेंगे, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, थोड़ा सा टिक्की जैसा भी बना सकते हैं आप इसको, और थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं इसको। तो इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ये हाथ से ही अच्छे से मिक्स होता है। तो ये बैटर एकदम तैयार है, अब हम पकौड़े बना लेंगे। पैन में घी डाल लेंगे, आप चाहे तो रिफाइंड से भी तल सकते हैं इसको, और इसे गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, अब हम पकोड़े बना लेंगे। तो आप इसको छोटे छोटे जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उस तरह से बना लीजिए, और इसे हम मीडियम गैस पे बनाएंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। और इसे गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। इसे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसको पलट लेंगे, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। इसी तरह से हम सारे पलट लेंगे। और दूसरी तरफ से भी सिक लेने देंगे इसको, अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसमें आलू ज़्यादा डालते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और क्रिस्पी बनता है।
और आलू तो वैसे भी फास्ट में बहुत स्पेशल रहता है, आलू ही आलू खाया जाता है। और आज मैंने भी आलू का ही सारी डिश बनाई है। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं और उसके बाद हम सर्व कर लेते हैं और हमारी नवरात्रि थाली एकदम तैयार है। पकोड़े रेडी हो गए हैं और अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। चलिए फिर थाली लगा लेते हैं। ये रहा आलू का हलवा, आलू का रायता, आलू की सब्जी, चटनी और ये रहे पकोड़े, कुट्टू के आटे के पकोड़े। तो देखिए नवरात्रि की थाली एकदम रेडी है और माता रानी को भोग लगा के इसको खाइए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।